सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के दरमियान ये मैच खेला जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ सुपर क्लास 6 ग्रैंड लीग टीम शेयर करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस मैच की पूरी जानकारी चाहिए, की प्लेयर्स की न्यूज़, प्लेयर स्टेटस, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, तो ये वीडियो भी आपको हमारी इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आप YouTube चैनल पर जाकर दोस्तों इस वीडियो को भी देख सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ इंपॉर्टेंट 6 ग्रैंड लीग टीम शेयर करेंगे, टॉप क्लास कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी देंगे और वन बाई वन टीम का भी दोस्तों आपको प्रयोग दिखाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो फाइनल टीम्स है वो आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आपको हम जो टीम्स है वो प्रोवाइड करेंगे अपनी टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ इन टीम्स का भी आपको प्रयोग दिखाएंगे और थोड़ा सा आपको ब्रीफली समझाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप इनको कॉपी मत कीजिएगा। और एक पॉइंट ये भी याद रखना कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो कॉमेंट बॉक्स में दोस्तों प्लीज़ आप पूछ लेना। लाइक और सब्सक्राइब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा जो मोटिव है आपको जिताना और खुद जीत जाना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब तो हम पूछेंगे नहीं, बस कमेंट करना अगर आपको सवाल आए तो। उससे दोस्तों हमें क्या है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको हमारी बात समझ आ रही है और आप हमारी बात सुन रहे हो अच्छे से, ठीक है, सिर्फ टीम का प्रव्यू नहीं देख रहे हो। तो चलिए पहले टीम पर नज़र डालते हैं। इस टीम में क्या है, दो तो आपको यहाँ पर विकेट कीपर देखने को मिल जाएंगे, तीन यहाँ पर बैट्समैन हैं, तीन मैंने दोस्तों ऑलराउंडर पिकअप किए हैं और तीन दोस्तों मैंने बॉलर्स को पिकअप किया है। दोनों दोस्तों जो विकेट कीपर है इनको मैंने कैप्टन ट्राई किया है। इसमें क्या है मैं आपको बताऊंगा, संजू सैमसन और जॉस बटलर। संजू सैमसन का इस ग्राउंड पर काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है और सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट भी काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने अपनी वीडियो में मतलब डिटेल में बताया है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड है कि किस तरह इसने धोया है सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स को। तो इसलिए और इस यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दोस्तों आप चाहो तो भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अगर ये दोनों प्लेयर्स चलेंगे तो इसका इससे साफ साफ जाहिर है कि फिर भुवनेश्वर कुमार नहीं चलेंगे। तो इसको आप यहाँ से बाहर निकाल लेना, यहाँ से आप उमरान मलिक के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो अब अगर बटलर की बात करेंगे, इसको अब आप कहोगे कि जब आपको मतलब इसको नहीं लेना था तो क्यों लिया टीम में, ये भी तो सवाल है, बिल्कुल सही बात है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 5 बार जॉस बटलर को भुवनेश्वर कुमार ने ही आउट लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप चाहो तो यहाँ पर बटलर को बाहर निकाल सकते हो। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, 40% लोगों ने बटलर को कैप्टन रखा है। अगर आप अपनी टीम में बटलर को नहीं लोगे तो 1 करोड़ टीम है ना, तो मतलब 1 करोड़ में अगर बटलर फेल हो गए तो 40 लाख टीम्स को आप पीछे छोड़ दोगे, 40 लाख टीम्स को आप पीछे छोड़ दोगे। उसके बाद कितने मतलब लाख लोगों ने इसको मतलब वाइस कैप्टन रखा होगा, तो कुल मिला के अगर आप बटलर को नहीं लोगे इस मैच में, तो अगर बटलर फेल हो गया तो आपका कंपटीशन मेरे अंदाज से मुश्किल से 10% लोगों के साथ रहेगा। ये बात मेरी लिख के ले लेना, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको समझ आ जाए तो। राहुल त्रिपाठिया कैप्टनसी के लिए ठीक है, ब्रोकी ठीक रहेंगे, पेडिकल ठीक है, फॉर्म में है, जॉस बटलर, एडो माक्रम, आर प्रयाग काफ़ी बढ़िया है। अगर इसका स्टेटस देखोगे ना, ऐसे तो आपको लगेगा कि पता नहीं कौन सा प्लेयर है जो मतलब पहली बार ड्रीम इलेवन खेल रहे, या तो आप इसका नाम भूल गए होंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलता नहीं है। इसका इतना बढ़िया स्टेटस है कि कुछ कह नहीं सकते, तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। और माक्रम तो है ही ऑलराउंडर प्लेयर, और नीचे अगर देखा जाए युजवी चहल को भी यहाँ पर विकेट निकालने का मौका मिल सकता है। आज के मैच में भी आपने देखा होगा, जो कल मैच हुआ, मार्क वुड ने 5 विकेट निकाले, यानी फास्ट बॉलिंग भी काफ़ी मैंने बताया था उनको पहले ही कि बाउंस यहाँ पर होने वाली है, तो मतलब फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलेगा, तो उसने भी वही किया, विकेट निकाल दिए। तो आप दूसरी टीम की बात करते हैं फटाफट, आपको अब हम प्रिव्यू दिखाएंगे। इसमें दोस्तों आपको फिर से 2 यहाँ पर विकेट कीपर, 3 दोस्तों आपको यहाँ पर बैटिंग में बैट्समैन, 2 ही ऑलराउंडर, लेकिन 4 दोस्तों यहाँ पर आपको बॉलर देखने को मिल जाएंगे। वाइस कैप्टन कैप्टन चेंज कर दिया, पेडिकल को कैप्टन, एंड्रू माक्रम को दोस्तों वाइस कैप्टन ट्राई कर लिया। पेडिकल की बात करेंगे, केएल राहुल के साथ दोस्तों ये धूम मचाता था, तो मुझे लगता है कि कुछ अच्छा कर सकता है। इसमें मैंने क्या किया, इमरान मलिक को पिकअप किया और एडम जंपा को दोस्तों पिकअप किया, ठीक है। टीम नंबर 3 की बात करते, इसमें क्या किया मैंने, भुवनेश्वर कुमार को कैप्टन बना लिया। और जो मैंने आपको बताया ना कि जॉस बटलर यहां से फेल हो सकते हैं, मैंने उनको बाहर निकाल दिया। ये टीम वही टीम है जो मैंने आपको बता दिया, ये वही है 10% जो 90% लोगों को पीछे छोड़ सकती है, ये वही टीम है, मेरी बात याद रखो। इसमें मैंने कैप्टन भुवनेश्वर कुमार और वाइस कैप्टन एडम जंपा, एडम जंपा हर मैच में विकेट लेते हैं, अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है तो आप होल्डर के साथ जा सकते हो, माक्रम के साथ जा सकते हो, ये कुछ प्लेयर से, या चाहो तो संजू सैमसन को पिकअप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों टीम नंबर 4 की, चौथे टीम में आपको दोनों प्लेयर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैंने एच ब्रोक को दोस्तों वाइस कैप्टन ट्राई किया और कैप्टन ट्रेंट बोल्ट को पिकअप किया। आप चाहो तो त्रिपाठी
पेडिकल या फिर किसी और को पिकअप कर सकते हो। और इसमें दोस्तों वाशिंगटन सुंदर को लिया, जो कि आपने कोटे का 2-3 ओवर डाल लेगा और बैटिंग भी मिडिल ऑर्डर में आपको करते हुए नज़र आ जाएगा। पाँचवें टीम की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा दोस्तों मैंने डिफरेंट मतलब प्लेयर सेलेक्ट किए हैं। कैप्टन उमरान मलिक को पिकअप किया है और वाइस कैप्टन राहुल त्रिपाठिया, ये भी थोड़ा सा मतलब रिस्की टीम रहेगा, आप चाहो तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। टीम नंबर लास्ट नॉट लीस्ट, फाइनल टीम्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ट्रेंट बोल्ट, एडम जंपा, उमरान मलिक और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे, एंड्रू मार्करम को कैप्टन बना दिया, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छा हाई स्कोर भी है इसका और साथ ही साथ इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, विकेट भी निकाल के देगा और बैटिंग से पॉइंट मिलेंगे, फील्डिंग से पॉइंट मिलेंगे, होल्डर सेम ऐसे ही प्लेयर है, तो ये कुछ टीम है। और यहाँ से फिर से बटर को बाहर कर दिया, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ मिला होगा। तो फाइनल टीम्स भी आपको मिलेंगे, फिलहाल दीजिए इजाज़त, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।